दोस्तों ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है, और टेस्ट का हमारा अगर नंबर देखे तो ये 6 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले हमने 5 टेस्ट ले लिए हैं, और अगर आपने वो नहीं दिए हैं तो आप 6 से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला तो ये है कि यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, जो इसका प्रतीक चिन्ह है हमको वो बताना है किसका प्रतीक चिन्ह क्या है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ को हमको पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ। सुरक्षा परिषद जो है उसमें स्थायी सदस्य भी हैं और अस्थायी सदस्य भी हैं, आप जानते हो। हमको सिर्फ ये बताना है कि जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। ध्यान रखना मैंने स्थायी नहीं पूछा, मैंने ओनली अस्थायी पूछा है, आपको उतना ही बताना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ बताओ, आप बता दोगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 लाइन से ज़्यादा मैं इसका आंसर मत देना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियाँ बताओ, आपको एजेंसियाँ पता होंगी, इसकी 4 एजेंसियाँ को, एजेंसियाँ जो हैं उनका नाम लिख देना और उनके सामने उनकी फुल फॉर्म लिख देना। 6ठा क्वेश्चन है वीटो पावर क्या है, आप अच्छे से समझते हो कि वीटो पावर क्या है, किनको मिली हुई है। आपको पता है कि 5 देश हैं दुनिया में, उन्हीं को मिली है, तो उन देशों के नाम लिख देना और वीटो पावर क्या है थोड़ा सा समझा देना। पेपर बिल्कुल टू द पॉइंट वाला पेपर है कि आप घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर कुछ लिख ही नहीं पाओगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन बनाए मैंने, आपको टू द पॉइंट जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है 7वां, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंगों के नाम लिखने हैं, सिर्फ अंगों के नाम लिख देना है, 6 अंगों के बस आपका हो जाएगा। और अगर आप उसके सामने ये भी लिख सकते हो कि इन अंगों का काम क्या है तो 1 लाइन में लिख देना बस, ज़्यादा मत बड़ा मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 4 उद्देश्य बताओ, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इनके कोई 4 उद्देश्य बताओ। सुरक्षा परिषद में क्या समस्या है, आपको पता है सुरक्षा परिषद में हमेशा समस्या रहती है, समस्या क्या रहती है मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, उसकी स्थायी सदस्यता और वीटो पावर कुछ इसको लेकर भी विवाद है, और बाकी है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद समझना है और अपने दिमाग से लिखना है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है लास्ट वाले, कि भारत को क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। मान लो आप भारत के नागरिक हो, आप चाहते हो कि भारत को भाई स्थायी सदस्य बना दे सुरक्षा परिषद का, वीटो पावर दे दे भारत को, तो क्यों दे दें, क्या है भारत के पास, ऐसा क्या है, तो आपको 6 पॉइंट लिखने हैं इसके ढूंढ के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है दोस्तों, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। आखिरी क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, आपको पता है यूएनओ में सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पे याद रखना सिर्फ सुरक्षा परिषद की बात नहीं चल रही, कहीं आप सुरक्षा परिषद लिख दो, पूरे यूएनओ की सुरक्षा में सुधार की बात चल रही है, यानी पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा टेस्ट नंबर 6, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से लिखोगे इसे, बेस्ट ऑफ लक, ढंग से लिखना, मेहनत से लिखना, और अगर नए हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से करना है, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपको टेस्ट पेज पर लिखना है, उस पेज पे ऊपर अपना नाम लिख देना है, हर पेज पे आपको अपना नाम लिखना होता है, और बाद में नीचे आंसर, आप क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन का नंबर डाल देना, प्रश्न नंबर, तो मैं समझ जाऊंगा क्योंकि मुझे याद है कौन सा टेस्ट कौन सा क्वेश्चन मैंने किस नंबर पर रखा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप फोटो भेजने से अच्छा है आप मुझे PDF बना के भेजना, क्योंकि कई बच्चों के आंसर अच्छे होते हैं मैं सिर्फ PDF की वजह से नहीं ले पाता हूँ, आप PDF बना के भेजना, तो नेक्स्ट जो रिजल्ट होगा देखते हैं कौन बच्चा सबसे बेहतर करेगा। धन्यवाद दोस्तों।